अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको बताएंगे अरवी के पत्तों का सालन कैसे बनता है, जिसके लिए हमने ले लिए हैं अरवी के पत्ते। बड़े साइज में लेने हैं। अभी मौसम का स्टार्ट सीजन स्टार्ट हुआ है, तो हमारे पास तो ये छोटी छोटी पत्तियाँ मिली हैं। उनको धो के और अच्छे से खुश्क करके किसी साफ कपड़े से हमने रख लेना है। फिर हमने लेना है बेसन। बेसन के अंदर हमने डाली है आधी चम्मच हल्दी और एक चम्मच नमक। इसको हम पेस्ट बनाने के लिए हमने ये सारी चीज़ें ले रहे हैं। एक चम्मच हमने कुटी हुई लाल मिर्च ली है और एक से डेढ़ चम्मच हमने पिसा हुआ हम धनिया डाला है इसके अंदर। और ज़ीरा और काली मिर्च साबुत एक चम्मच। गरम मसाला आधी चाय का चम्मच। और इन सब चीज़ों को हमने आप अच्छे से मिक्स कर लेना है। बेसन को पानी से लिक्विड बनाया है। अब इसके अंदर थोड़ा और बेसन ऐड किया है ताकि ये थिक हो जाए। इसको ना ज़्यादा पतला करना होता है और ना ही ज़्यादा हमने गाढ़ा करना होता है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल नॉर्मल रखनी है ताकि ये अरवी के पत्तों के ऊपर आराम से चिपक जाए। अगर आपका बेसन अरवी के पत्तों पर लगते हुए थोड़ा कम हो जाता है तो आप ये पेस्ट दोबारा भी बना सकते हैं। एक फ्लैट सरफेस लें, उस पर अरवी के पत्ते को हमने सीधे रुख से जहाँ पर हरा रंग ज़्यादा तेज़ है वहाँ से फैला देना है। और इसके एक तरफ पे हमने बेसन का ये पेस्ट लगाना है। पत्ते को इस तरह फोल्ड कर देना है उसके ऊपर ही। आप हल्का हल्का पेस्ट लगाते जाएंगे और जो अरवी का पत्ता है इसको हम फोल्ड करते जाएंगे। ये देखें, ये दोनों साइड पे पेस्ट था, इसको हमने फोल्ड कर लिया और इनकी साइड्स पर हमने ये जो बेसन का ही लिक्विड है इनको फिल करके रख देना है प्लेट में। इसी तरह सारे अरवी के पत्ते हमने भर के तैयार कर लेने हैं। अब एक पतीले में पानी लेना है और उसे बॉयल करना है। इसके ऊपर हमने छन्नी रख देनी है। जब पानी बॉयल हो जाए तो हमने उनके ऊपर जो अरवी के पत्ते बना के रखे थे पेस्ट के साथ वो सारे रख देने हैं और उन्हें स्टीम देनी है। स्टीम देने के लिए हमने ये पानी रखा है और पानी के ऊपर छन्नी रखी है। ये इस तरह सारे पत्ते हमने क्या किया, छन्नी पर रख दिए। और अब इनको भाप देने के लिए हम किसी रुमाल से अच्छे से ढक देंगे ताकि ये स्टीम से हाफ कुक हो जाए। तकरीबन हमने 15 मिनट की एक साइड से स्टीम देनी है और फिर हमने दूसरी साइड से। अब ये देखें, एक साइड से स्टीम दिलवा कर हम इन्हें पलट रहे हैं ताकि दूसरी साइड से भी ये अरवी के पत्ते अच्छी तरह से हाफ कुक हो जाए। इसी तरह हमने इन्हें सबको पलट के बारी बारी और इसी तरह दोबारा से रुमाल ढक के अच्छे से स्टीम देनी है 15 मिनट के लिए। जी, अब 15 मिनट बाद हमारी ये जो स्टीम है लग गई है। इन्हें हमने एक प्लेट में निकाल लेना है तमाम अरवी के पत्तों को। अब इन्हें ठंडा करके हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। तमाम पीस अरवी के पत्तों को हमने पीस में कट कर लेना है। ये देखें, ये छोटे छोटे पीसेस में कट हो गए। अभी सेमी कुक हो चुके थे। अब एक कढ़ाई में ऑयल लेकर और अरवी के पत्तों को फ्राई करना है जैसे हम पकोड़ों को फ्राई करते हैं। और इनको फ्राई करने के बाद आप पकोड़ों की तरह रुखे खा भी सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सालन बना रहे हैं। तो फिर हमने फ्राई करने के बाद एक कढ़ाई में प्याज 8 से 10 प्याज को चॉप करके फ्राई किया हल्का सा। उसके अंदर 6-7 टमाटर हमने कट करके डाल दिए ताकि इनकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि प्याज नरम हो जाए और इनको थोड़ी देर के लिए हमने पकाना है ताकि ये प्याज और टमाटर आपस में अच्छे से घुल जाएं। अब ये प्याज टमाटर घुल गए थे तो हमने एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाली, एक चम्मच इसके अंदर नमक डाला, एक चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाली हमने और ये सूखा धनिया डाला है इसके अंदर। हल्दी डाली है एक चम्मच
और इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इनको कुछ देर पकने के लिए रख देंगे ताकि ये ग्रेवी मसाला भुन के ग्रेवी तैयार हो जाए। जितना अच्छा मसाला भुनेगा उतनी अच्छी ग्रेवी तैयार होगी। इसके अंदर लहसुन अदरक का भी एक चम्मच डालना है, हरी मिर्चें जब मसाला भून रहा हो तब डालनी है, 5 से 6 अदद बारीक कट करके। मसाला भुनते हुए इसके अंदर हमने 1 चम्मच से लेकर 2 चम्मच तक दही डाल देनी है। ये देखें अब ये मसाला इसका भुन रहा है अच्छे से और ये 15 मिनट बाद हमारी ग्रेवी तैयार। इसके अंदर जो हमने अरवी के पत्ते फ्राई करके रखे थे वो ऐड कर दिए, अच्छे से मिक्स करें और ये हमारे अरवी के पत्तों का सालन तैयार है। बहुत टेस्टी होता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।